हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड फोर्थ, सब्जेक्ट ईवीएस एंड वर्कशीट 20। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आंसर आपको देना है। फाइन। फर्स्ट, राइट टू स्लोगन्स टू सेव वाटर। हमें दो स्लोगन देने हैं। स्लोगन समझते हो ना, हमें स्लोगन्स देने हैं वाटर को सेव करने के लिए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्या दिया है, जल ही जीवन है, है ना। दैट मीन्स कि जल के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। सो जल ही जीवन है। सेकेंड, सेव वाटर सेव लाइफ। आप क्या कर रहे हो, वाटर को सेव कर रहे हो, और तब जाके जब आप वाटर को सेव करोगे तब आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू सेव योर लाइफ देन यू शुड सेव वाटर। सो नेक्स्ट स्लोगन इज सेव वाटर सेव लाइफ। सेकंड, नेम एनी ड्रॉ टू मैन मेड एंड टू नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। आपको दो चीज़ें ड्रॉ करनी है इन बॉक्सेस में, एक तो जो मैन मेड बनी हो यानी जो मैन ने बनाई हो, एंड सेकेंड जो नेचुरल सोर्स हो, जो नेचुरल साधन हो। तो मैनमेड में क्या बना सकते हो, आप हैडपम्प बना सकते हो, आप वेल्स, कुएं बना सकते हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या करा है, मैन के थ्रू बनाई गई हैं। नेचुरल थिंग्स जो हमें प्रकृति के थ्रू मिली हैं, यानी लेक, झीलें हमें प्रकृति के थ्रू मिली हैं, रिवर्स यानी नदियाँ भी हमें प्रकृति नेचर के थ्रू मिली हैं। थर्ड, आइडेंटिफाई द फॉलोवर्स फ्लावर्स गिवन बिलो एंड राइट वन यूज ऑफ ईच। आपको क्या करना है, इन फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, और पहचान करके उनके यूजेस नीचे लिखने हैं। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट, इट इज़ द पिक्चर ऑफ रोज। सो किसका पिक्चर है, रोज का। सो टू मेक गार्लैंड, रोजेस को हम यूज क्यों करते हैं, गार्लैंड मीन्स माला बनाने के लिए। सेकेंड, सनफ्लावर पिक्चर है ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ सनफ्लावर। तो एडाइबल ऑयल, सनफ्लावर से हम खाने लायक ऑयल भी गेट करते हैं। सी लोटस, इट इज द पिक्चर ऑफ, दिस इज द पिक्चर ऑफ लोटस। सो रिलीजियस इम्पोर्टेंस, कमल के फूल की धार्मिक रूप से बहुत इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है। डी, इट इज़ द पिक्चर ऑफ मैरी गोल्ड यानी गेंदे के फूल। तो मैरी गोल्ड का फ्लावर जो है ऑर्नामेंटल के लिए यानी ज्वेलरीज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और मेडिसिनल पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। फोर्थ, डिफाइन द फॉलोइंग्स। आपको इनको डिफाइन करना है कि ये क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज क्रीपर्स, प्लांट्स। क्रीपर्स क्या होता है बेटा, प्लांट्स दैट हैव फ्रेगली लॉन्ग दीज स्टीम्स एंड स्क्रीच ऑन ग्राउंड। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे पौधे जिनमें पतले लंबे तने होते हैं और ज़मीन पर बिखरे होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। सेकेंड, बुशेज, प्लांट्स दैट हैव मल्टी ब्रांच्ड एंड मीडियम साइज्ड स्टीम्स। ऐसी प्लांट्स जो कि मल्टी ब्रांच्ड है, जिनकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और जो मीडियम साइज के होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जिनके तने भी जो होते हैं, स्टीम्स भी होते हैं, जो क्या होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। सो वो उनको क्या बोलते हैं, बुशेज, बुशेज मीन्स झाड़ियाँ। सी ट्रीज, प्लांट दैट आर बिग टॉल, जो प्लांट बहुत बिग है, बड़ा है, टॉल बहुत लंबा है, हैव थिक, जो बहुत घना भी है, और वुडी स्टीम्स, जिसका तना जो है वो वुडी है, बहुत लकड़ी दे सकता है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग तना है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रीज। ओके स्टूडेंट, सो आई होप वर्कशीट 20 विल बी अंडरस्टैंड बाय दी स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।